आज के इस वीडियो में हम जो डोमेस्टिक बोर्ड होता है जो हमारे घरों में उपयोग किया जाता है उसका हम कनेक्शन कैसे करें। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई लोगों के कमेंट भी आए कि हम बोर्ड के कनेक्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज को सिंपल डायग्राम में हम आपको समझाएंगे कि आप एकदम इजी से इजी वे में आप कैसे कनेक्शन कर सकते हैं अपने घर के बोर्ड का। तो देखिए, मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही बना ली हैं। ये हमारा फेस और न्यूट्रल जो सबके घरों में नॉर्मली आता है, ये हमारा पंखा है, ये ट्यूब, ये बल्ब है हमारा, ये ट्यूब लाइट है और ये हमने घर का एक सॉकेट बना दिया है। ठीक है, उसमें तीन पॉइंट होते हैं, आप पीछे पलट के देखेंगे तो उसके तीन पॉइंट होते हैं। ठीक, और ये हमारे स्विच वगैरह हैं, ये स्विच हैं जो घरों में हम ऑन ऑफ करते हैं, वो स्विच हैं ये। ठीक, तो आइए देखते हैं किसका हम कनेक्शन कैसे करें आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, इसका थंब रूल जो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। सबसे पहले जो न्यूट्रल का जो तार है उस चीज को आप समझ लीजिए कि न्यूट्रल का तार एक ही कंडीशन में इस बोर्ड के अंदर आएगा। वह कंडीशन केवल और केवल होती है अगर सॉकेट उसके अंदर लगा हुआ है बोर्ड के अंदर, तभी न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में आएगा, अन्यथा न्यूट्रल का वायर बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक, अगर केवल स्विच लगे हुए हैं तो न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड के अंदर नहीं आएगा, अब अगर सॉकेट लगा हुआ है तो आपको न्यूट्रल का वायर इसमें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। देखिए, पंखे में दो पिन होते हैं, बल्ब में दो होते हैं और ट्यूब में दो होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तार को, न्यूट्रल वाले तार को इस तरह से आपको इसमें जोड़ देना है। ठीक, इस तरह से आपने एक इसको जोड़ दिया पंखे में और यहीं से उठा करके एक आप बल्ब में जोड़ दीजिए और यहीं से एक उठा करके आप इस ट्यूबलाइट में जोड़ दीजिए। ठीक, इन चीजों को आप एकदम कॉमन कर देंगे, इसमें से कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और यही वाला जो तार है, इस वाले तार को ला करके, ठीक, ये देखिए, इसमें राइट हैंड पे फेस होता है और लेफ्ट हैंड पे न्यूट्रल होता है, तो आप यहां पर ला करके इस तरह से आप जोड़ दीजिए। ये न्यूट्रल का पॉइंट है हमारा, तो ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये हमारा फेस है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से देख लीजिए आप, न्यूट्रल को सीधा लूप करते हुए सब मिला करके आप सॉकेट में लगा दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर सॉकेट लगा हुआ है तो ही न्यूट्रल आएगा, नहीं तो न्यूट्रल नहीं आएगा। तो सॉकेट इसमें लगा हुआ है इसलिए न्यूट्रल यहां पे आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद हमारा बचता है फेस। अब आइए हम फेस का भी कनेक्शन कर देते हैं। देखिए, फेस का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, इस वाले जो फेस का हमारा तार है इसको सबसे पहले देख लीजिए, यहां पर इन सारे पॉइंटों को आपको इस तरह से शॉर्ट कर देना है। ठीक, उससे क्या होगा कि एक जगह पे आप फेस दे देंगे तो सारे स्विचों में फेस आ जाएगा। तो यहां से आप इस तार को ला करके इस तरह से आप फेस को भी कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, उसके बाद ये वाला, लोग क्या करते हैं इसमें फेस देते हैं, इसमें न्यूट्रल दे देते हैं, कंफ्यूजन। तो कभी भी स्विच में आप फेस और न्यूट्रल दोनों नहीं देंगे, इसी का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे फेस इधर से आ जाएगा, न्यूट्रल ऊपर से आ जाएगा, तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो न्यूट्रल आएगा वो केवल और केवल सॉकेट के एक पॉइंट पे आएगा और बाकी कहीं नहीं आएगा न्यूट्रल। अब आपका एक दो तीन चार, ये चारों पॉइंट बचे हुए हैं, तो इनको देखिए, सबसे पहले आपको ले जा करके एक वाला जो तार है इसको आप इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। तो अब देखिए, न्यूट्रल तो आ ही रहा था, जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे यह सप्लाई सीधे पहुँच जाएगी, आपका पंखा जो है वह चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वाला पॉइंट है आप इसके साथ इस तरह से इसका कनेक्शन कर दीजिए। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, न्यूट्रल तो आ ही रहा था, ये जा करके बल्ब के दूसरे पॉइंट में ये पहुंच जाएगा सप्लाई, तो आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप स्विच को बंद करेंगे सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी और बल्ब तक सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो आपका बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक है, और यह तीसरा जो पॉइंट है उसको भी आप इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए इसके साथ में इस तरह से। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे ये ट्यूबलाइट में भी सप्लाई पहुंच जाएगी, फेस का तार पहुंच जाएगा और ये न्यूट्रल जो है सीधे सीधे आ जाएगा, तो आपका बल्ब जो ट्यूबलाइट है वो भी आपकी जल जाएगी। उसके बाद जो लास्ट में आपका बचता है, एक स्विच बचता है, इससे आपको कनेक्ट करना है आपका जो सॉकेट है। तो इस वाले पॉइंट को आप इस तरह से ले जा करके आप इसके साथ इस तरह से
कनेक्ट कर दीजिए कि जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से फेस आ जाएगा और ये न्यूट्रल तो आपका आ ही रहा था, तो आपका जो सॉकेट है उसमें सप्लाई आ जाएगी और बाकी का बचा एक पॉइंट इसका जो बचता है ये आप इस तरह से अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो इस तरह से आपके सॉकेट में अर्थिंग आ जाएगी। और अब आप कोई भी इक्विपमेंट ला करके जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये अर्थिंग से सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएगा आपका इक्विपमेंट, और जो कोई भी लीकेज करंट होगा वह इसी के माध्यम से ज़मीन में चला जाएगा और कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी भी घरेलू बोर्ड का अगर आपको वायरिंग करना है बहुत ही आसान तरीके से, तो इस तरह से आप पूरे घर के बोर्ड की वायरिंग आप कर सकते हैं खुद भी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी और कन्फ्यूजन हो रह गई हो, जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आप आसानी से दोबारा कमेंट करिएगा, मैं दोबारा भी इस पर एक अच्छी सी और वीडियो बना करके लेके आऊँगा कि जो आपके मन में कन्फ्यूजन रह गई हो उस पर। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।